ध्यान करिए, आइए भगवान हेलो नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे एनोदर ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है मेरे ससुराल का, जहाँ की पूजा हो रही है। बाबू के होने के बाद कोई पूजा नहीं हो पाई थी, तो वही पूजा हो रही है यहाँ पे। और ये थर्ड फ्लोर है, नीचे ग्राउंड फ्लोर और दो फ्लोर और हैं, मतलब 2 BHK करके अपार्टमेंट टाइप होते हैं वैसे करके हैं। और इस फ्लोर पे एक मंदिर है और बाकी का पूरा एरिया खुला हुआ है और प्लांट्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। ये वीडियो जो आज आप देख रहे हो ना, ये 29 अप्रैल की है, तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे, मतलब मैंने इस वीडियो को एडिट नहीं किया था कि एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, प्लस दूसरा कि ये वीडियो जो है ना, मतलब सही से रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे इसमें कट करनी थी, तो उसके लिए आराम से टाइम चाहिए था, जो कि हो नहीं पा रहा था मुझसे। फिर पंडित जी ने ना बड़ा अच्छा सजाया था, ये झंडे काले पीले और वाइट कलर के लगाए थे और 10 ग्रह शायद ऐसा कुछ कुछ बनाया था, मुझे तो कुछ पता नहीं है, जो जैसा कहते जा रहे थे वो वैसा ही हम लोग करते जा रहे थे। इस टाइम पे सानवी थी नीचे में, क्योंकि भीड़ में ना वो रोने लग जा रही थी, तो इसलिए उसे नीचे उसकी बुआ ने रख रखा था। और काफ़ी छोटे बच्चे आए हुए थे, उन सब के साथ खेल रही थी वो। तो यहाँ बीच बीच में आप देख रहे हैं, मतलब कभी ज़्यादातर तो मीर नंद हैं, उनका ही सूट वगैरह आ जा रहा है वीडियो में। तो यहाँ पे वो रस्म हो रही है, सतैसा की पूजा कहते हैं हमारे यहाँ बिहार में, वही हो रही थी। और पीछे से बाबू का फेस जो है दिखाया जा रहा था, तेल की कटोरी में इनको देखना था, लेकिन बाबू जो है रोई जा रही थी, काफ़ी रोई वो। लास्ट में उसे दूध दिया गया, उसे गोद में लिया मैंने, तब जाके वो फिर चुप होकर के सो गई। एक तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जैसे पहले तो नॉर्मल डिलीवरीज हुआ करती थी, तो उस टाइम पे ठीक है ग्रह नक्षत्र ये वो देखा करते थे, बट अब तो सी सेक्शन होता है, तो सी सेक्शन में तो डॉक्टर्स मतलब या फिर सिचुएशन पे ही लोग डेट निकालते हैं कि हाँ इस दिन इस समय में आपकी डिलीवरी होगी। तो ऐसे में क्या ग्रह क्या नक्षत्र, मुझे तो ये सब चीज़ें समझ में सही में नहीं आ रही थी, बट कुछ चीज़ें होती है ना, आपको सोचना समझना नहीं होता, बस मानना होता है, तो बस वही चल रहा था यहाँ पे। और ये पूजा मतलब कुछ लोग सिंपल पूजा की तरह मतलब करते हैं, और कुछ लोग जो हैं बहुत बड़ा फंक्शन कर देते हैं शादी की तरह। और हम लोगों ने एक सिंपल सा ही फंक्शन रखा था, मतलब पहले पूजा हुई थी, उसके बाद कुछ लोगों का खाना पीना ये भी मतलब था, तो उस पास के लोग थे और कुछ क्लोज रिलेटिव्स थे, तो यही लोग थे। कि यहाँ पे पूजा भी चल रही है और बाबू को भी यहाँ चुप कराया जा रहा है, लेकिन वो चुप हो ही नहीं रही थी। लास्टली वो वही हुआ, मेरे ही गोद में आकर के उसने दूध ली, तभी वो चुप हुई थी। तो ये नाकाम कोशिश हमारी चलती रही कि किसी तरह से बाबू चुप होकर के आराम से पूजा में रहे, लेकिन हो नहीं पाया। तो यहाँ पे किसी तरह से हम लोगों ने जो भी रस्में थी वो सब पूरा करा, यहाँ बाबू को कच्चा धागा बांधा जा रहा था। तो बराबर मैंने ये देखा है ना कि या भीड़ भाड़ हो या कोई फंक्शन हो, तो बच्चे ऐसा ही करते हैं, रोना धोना वो कंफर्टेबल नहीं रहते, ये मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है और काफ़ी सारे बच्चों को इस तरह से देखा है। तो वही हाल इसका भी था, लास्टली वही फिर ये सोई, तभी मतलब शांत हुई। और ऑलमोस्ट पूजा हो ही गई थी, ये लास्ट की रस्में हो रही थी कुछ। वीडियो में बराबर कोई ना कोई आकर के ना कैमरे के सामने बैठ ही जा रहा था, अभी तो मेरी नंद बैठी हुई हैं, और लेकिन बच्चे जो बैठे हुए थे ना, उन लोगों ने बड़ी हेल्प करी है इस वीडियो को बनाने में, बेसिकली उन्होंने ही बनाया है, तो वो बेचारे सबको हटा रहे थे कि तो हट जाओ वीडियो बन रही है, ऐसे करके वो सारा देख रहे थे। अगर वो नहीं करते तो शायद वीडियो भी मुश्किल होती बननी। यहाँ तो फास्ट फॉरवर्ड और एडिट करके लग रहा है कि हाँ कितनी जल्दी पूजा ख़त्म हो गई, लेकिन मतलब दिन भर लगभग लग गया था पूजा होने में। 2 बजे की स्टार्ट हुई पूजा, मतलब 5 से 5:30 बज गए थे लगातार इस पर बैठे हुए, उसके पहले भी एक पूजा हुई थी, तो वो सारा दिन ही इसमें चला गया था। ये एंड में जो हवन करते हैं ये वही हो रहा था, और यहाँ बाबू को लेकर के बस मतलब दूध लगा दिया था मैंने, बस मैं हाथ लगा दे रही थी किसी भी चीज़ में, इतना ही हो पा रहा था। लास्ट में एंड में जो नारियल डाला जाता है सूखा नारियल, ये वो डाला जा रहा है, और हो गया पूजा संपन्न हुई। अब इसके बाद मतलब बड़े जो भी हैं वो आएंगे आशीर्वाद देंगे, यही सब कुछ होता है इसके बाद, या जिसको भी कुछ भी गिफ्ट देना लेना है, यही सब इसके बाद हुआ था।
यहाँ एंड में चार हमसे बड़े जो लोग थे जेंट्स, उन लोगों को बुलाया गया था और आशीर्वाद के रूप में उनको अक्षर डालना था हम लोगों के ऊपर, तो एंड में ये चीज़ें हो रही थी। इसके बाद तो कोई वीडियो बना नहीं पाई मैं, तो कुछ फोटोज़ हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पूजा करते हुए हम दोनों की पिक्स हैं, और ये तेल की कटोरी जिसमें कि बच्चे का चेहरा देखा जाता है। मैंने बहुत कोशिश की थी फ़ोटोज़ लेने की लेकिन ले नहीं पाई, ये सेल्फी लेने की कोशिश की थी मैंने। यहाँ इसी तरह से कटोरी लेकर बैठा जाता है पूजा में, और उसके बाद लास्ट में जो भी घर की बड़ी औरतें थी सब लोग आए, मतलब आशीर्वाद दिया उन लोगों ने, यही सब हुआ। मम्मी, मेरी सासू माँ, बुआ सास और इनकी मौसी, मतलब दोनों ही तरफ से जो भी लोग थे वो सब लोग थे यहाँ पे। और एंड में ये पटवासी बांधे हुए बाबू की फ़ोटो, जो सर में हमने बांधा है उसे पटवासी कहते हैं। तो बस यही था वीडियो, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।